हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और मैं आ गई हूँ तिरुपति। रामेश्वरम के बाद हम तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए आए हैं, बट हमको कुछ भी आइडिया नहीं था यहाँ के पासेस के बारे में और किसी भी चीज़ के लिए। बट हमने इंक्वायरी की तो हमको पता चला कि पासेस वगैरह 2-3 महीने पहले ही ऑनलाइन बुक हो जाता है, जो 300 रुपीज़ का आता है विशेष दर्शन का। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे पहुँच चुके हो, आपको दर्शन करना ही है, तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है फ्री वाला, जो 6-7 घंटा लगता है शायद दर्शन के लिए। और सेकंड आपके पास ऑप्शन रहता है 10,500 वाला, जिसमें 10,000 आपको डोनेशन जाएगा, 500 रुपीज़ आपका दर्शन कराएगा। तो हम वह अभी वो लेने के लिए जा रहे हैं और देख ऐसा कैसा सिस्टम है सब कुछ, तो मैं आपको अपडेट करते रहूँगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद, बाय गाइस। तो हम टिकट लेने जा रहे हैं तिरुमाला बस स्टैंड, जो है पहाड़ों के ऊपर। सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा टोल, जहाँ पे आपकी गाड़ी को पूरा स्कैन किया जाएगा, आपके सारे लगेज स्कैनर के थ्रू पास होंगे। तो मेक श्योर आपके पास कोई भी प्लास्टिक ना हो, प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक ग्लास कुछ भी ना हो। और उसके बाद ये व्यू है, वन वे रोड है, तो बहुत अच्छा व्यू लगता है। और यहाँ पे स्पीड लिमिट्स वगैरह है, तो 28 मिनट के पहले आप ऊपर नहीं पहुँच सकते, मतलब पहुँच सकते हैं लेकिन नहीं पहुँचना है। और ये है एंट्री ऊपर तिरुमाला का, जहाँ पे बालाजी गॉड है। लगता है कि आप, ये बहुत प्यारा है, ऊपर आने के बाद ऐसा लगता है कि आप कहीं और जगह पहुँच गए हो। ये बहुत बड़ा और बहुत प्यारा सा जगह है। अब इसके बाद हम आए टिकट्स लेने, तो इसके लिए आपको ओरिजिनल आईडी लगेगा और उसका जेरोक्स कॉपी लगेगा। फिर यहाँ से हमको टिकट मिल गई और हमको ये पिंक कलर का शीट मिला, जिसमें हमको वेन्यू दिया गया है कि हमको कहाँ पे कल मिलना है और कहाँ से एंट्री होगी। तो पूरा टाइम के साथ आपका फ़ोटो, मोबाइल नंबर सब उसमें रखा हुआ है। तो आप जब कल आएंगे यहाँ पे, तो आपको वापस से एक जेरोक्स कॉपी आपके आईडी की लगेगी और ओरिजिनल आईडी लगेगा। और यहाँ से हमको कल एंट्री लेना है, ये सब हम देख के यहाँ से वापस जा रहे हैं, क्योंकि तिरुमाला इतना बड़ा है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे कहाँ पे जाना है। तो अच्छा होगा आप जिस दिन टिकट लेने जाओगे उस दिन ही आप पूरा सर्च कर लो कि आपको कैसे कैसे जाना है, तो जो नेक्स्ट डे रहेगा वो बहुत ईजी रहेगा। अब ये हम वापस नीचे जा रहे हैं पहाड़ों के नीचे, और रोड पे हमको ये कृष्ण जी का स्टैचू मिला, जो कि बहुत प्यारा था। यहाँ पे हमने फोटोज ली। और यहाँ से तिरुपति का पूरा एक व्यू दिखता है, जो कि बहुत प्यारा लगता है, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। यहाँ से आपको पूरा तिरुपति। अभी हम आ गए हैं पहाड़ के नीचे। यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं, यहाँ पे आप स्टे कर सकते हो, खाना खा सकते हो, तो यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। सो फाइनली अब हमको ट्रेडिशनल कपड़े लेने थे, क्योंकि हमारे पास ट्रेडिशनल कपड़े खत्म हो चुके थे। तो हम यहाँ मॉल आ गए और मॉल से ओके तो हमने अपना लगेज यहीं पे रखवा दिया है, क्योंकि हम दर्शन के बाद हैदराबाद निकलने वाले हैं। हे गाइस, वेलकम बैक। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। कल जब मैं गई थी टिकट्स लेने के लिए, तो वहाँ पे लगेज के लिए बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी। तो अगर आप होटल में स्टे कर रहे हैं, तो हर होटल पे आपको लॉकर रूम मिलेगा। आप जाके एक बार बात कर लीजिए उनसे कि आपको लगेज रखना है और दर्शन के लिए जाना है। जिसको ऊपर रुकना है पहाड़ के ऊपर बालाजी टेम्पल पे, तो वो अपना लगेज लेके जा सकते हैं इजिली। थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आप अपना लगेज कैरी कर सकते हैं अपने साथ। और मेक श्योर कि आपके पास कोई प्लास्टिक ऐसा ना हो, खाली बोतलें ये सब चीज़ें वो मतलब गाड़ी से निकलवा देते हैं, तो आप ये सब चीज़ लेके ना आए। और हमारा टाइम भी यहाँ पे बचेगा।
और हम जल्दी से यहाँ से जो ये टोल है उससे पास हो जाएंगे। तो मैं दिखाती हूँ कि कितना भीड़ होता है वहाँ पे। यहाँ पे कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, और ये ट्रैफिक सिर्फ आपका लगेज स्कैनर के लिए है। हम टोल क्रॉस कर दिए हैं और आई एम ऑन माई वे टू बालाजी टेम्पल एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। और स्पीड लिमिट की बात होती है तो आपको 28 मिनट के बाद ही आपको ऊपर पहुंचना है, मतलब आपको गाड़ी धीरे चलानी है पहाड़ों पे, अदरवाइज आपको फाइन लग सकता है ऊपर जाके। और जब ऊपर से नीचे आओगे तब भी सेम रूल है, 39 और 40 मिनट्स का, आपको धीरे धीरे ही गाड़ी चलाना है। तो हम तिरुमाला पहुंच चुके हैं और ये जो नीचे टोल कटा था उसका पर्ची यहाँ पे देखेंगे और इस पे वही देखेंगे कि आप कितने टाइम पे पहुंचे हो ऊपर। और अब हम जा रहे हैं दर्शन के लिए। हे गाइस, तो हमको पार्किंग के लिए जगह मिल गई है और अब हम जा रहे हैं दर्शन के लिए। मोबाइल्स आर नॉट अलाउड, तो हम मोबाइल गाड़ी पे ही रख के जा रहे हैं। आधार कार्ड की जेरोक्स कॉपी और आपके टिकट्स की जेरोक्स कॉपी आपको साथ लेके जाना है, और हो सके तो आपका जो ओरिजिनल आईडी है वो भी आप साथ लेके जा सकते हैं, और जेरोक्स सबका ज़रूरी है। तो हम अब दर्शन के बाद मिलते हैं, बाय गाइस। आफ्टर दर्शन मैंने कुछ वीडियो शूट किए हैं। यह है तिरुपति बालाजी टेम्पल का एक व्यू है जो बहुत सुंदर है। आप यहाँ जब जाओगे तो आपको अलग से एनर्जी, अलग सी गुड वाइब्स वाली फील आएगी। तो आप अभी ये व्यू देखिए। दर्शन करके, और दर्शन बहुत बहुत अच्छा हुआ है, और वीवीआईपी पास का जो है बेनिफिट वो मिला है हमको। तो दर्शन बहुत फटाफट 1 घंटे में ही हो गया, और अब हम वापस जा रहे हैं होटल अपना लगेज कलेक्ट करने के लिए, और फिर हम निकल जाएंगे हैदराबाद के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कुछ भी ऐसा क्वेश्चन वगैरह होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड फॉलो फॉर मोर। बाय।